स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। और हम ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीने के बाद मिल रहे हैं, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। होली जा चुकी है और ये व्लॉग मैं होली के एक दो दिन के बाद शूट कर रही हूँ। आज 11 तारीख है तो 8 को ही होली थी, आज 11 है। खैर, होली सेलिब्रेशन तो आपने अलग अलग व्लॉग्स में देख ही लिया होगा, लेकिन आफ्टर होली क्या होता है वो भी तो दिखाना जरूरी है। तो आज हम आफ्टर होली की बात करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मुझे डोर के बाहर जाना होगा। तो सबसे पहले बाहर चलते हैं और वहां से शुरू करते हैं। होली खेल के आने के बाद ये देख लीजिए जूते चप्पल की क्या हालत हुई है। होली से एक वीक पहले ही मैंने सब जूते चप्पल को हाथ से धोया था, साबुन लगा के धोया था। ये साइकिल वगैरह को मैंने होली से 3-4 दिन पहले ही धोया था, तो एक वीक हो चुका है अभी, बट इस पे जम गई है धूल बहुत अच्छे से। तो होली का जो पहले का एक वीक होता है वो गुजिया, दही वड़े, चटनी ये सब बनाने में जाता है, और होली के बाद का एक वीक इन सब चीजों की सफाई करने में जाता है। तो आज का डे जो है ना मेरा, वो इन सबसे स्टार्ट होने वाला है। जब भी मुझे शूज या चप्पल वगैरह धोना होता है ना, तो सब चीज उठा के मैं बालकनी में ले आती हूँ और बालकनी में आराम से बैठ के अच्छे से धो लेती हूँ, तो वहां पे मेरे को तसल्ली हो जाती है। एक रिन साबुन ले लिया है और एक जूना ले लिया है। अभी साइकिल की सफाई चल रही है। मैं सोच रही हूँ कि एक क्लोज डोर वाला जो शू रैक आता है ना, वुडन वाला, वो वाला शू रैक ले लूं, बट जब तक वो नहीं आता है घर में तब तक ये ओपन शू रैक से काम चल रहा है। अभी इसको हो गए 5-6 साल, तो इसी तरह से 15 दिन में सफाई चलती रहती है घर में शू रैक की और ये साइकिल की। एक वीक पहले ही मैंने सारे शूज और चप्पल को धोया था, तो इसीलिए आज मैं सारे शूज और चप्पल को नहीं धो रही हूँ। जो चप्पल पहन के हम लोग 7 मार्च को होली खेलने गए थे और उन पे रंग लग गया, तो सिर्फ वही सारे चप्पल और शूज वॉश करने वाली हूँ। इतने में दीदी पूछने भी आ गई थी कि अभी एक हफ्ते पहले ही तो सब धोया था, आज फिर से लेके बैठ गए। तो जब भी मैं कभी डीप क्लीनिंग का कोई काम लेके बैठती हूँ ना, तो मुझसे ज्यादा दीदी का सर भारी हो जाता है। तो चलिए, खैर मुझे तो जो अपना काम करना है सो करना है। एक बार ही मैंने वॉशिंग मशीन में ट्राई करा था तो नहीं जमता है, फिर वो लास्ट ही था, फर्स्ट एंड लास्ट बार। अभी मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। जूतों के मामले में अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहूंगी कि स्केचर्स के शूज कभी भी मत लेना। ये 5-6 साल पहले ब्लू वाले स्केचर्स के शूज मेरे पति देव ने खरीदे थे और ये अभी तक फटने का नाम नहीं ले रहे। इस शूज के अलावा हमने उनके लिए 2 पेयर शूज लिए, वो यूज करते करते फट गए, लेकिन ये 5 साल हो गया ये फटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ना मेरे पति देव इन शूज को छोड़ रहे हैं, ना ये शूज मेरे पति देव को छोड़ रहे हैं। आने से पहले शूज वगैरह मैंने क्लीन कर लिया, स्टैंड वगैरह, क्योंकि बालकनी में काफी गंदा होता है। तो दीदी जब आई तो उन्होंने बालकनी क्लीन कर दी है। और ये कार्टून अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये एसी का कार्टून है, हम लोगों ने एसी खरीदा है तो उसका कार्टून बालकनी में कब से रखा हुआ है, 1 वीक हो गया, बट उसको मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं किधर रखूँ, क्योंकि जो नॉर्मल हमारे इंडिपेंडेंट हाउस होते थे तो उसमें छज्जे वगैरह बनाए होते थे पुराने मकानों में, तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा डब्बे कार्टून वगैरह हम उस पर डाल देते थे, बट फ्लैट्स में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो 1 वीक से वो कार्टून वहीं पर पड़ा हुआ है और मुझे उसके लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी कि उसको मैं कहाँ पे रखूँ, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी आदतें पापा से मिलती हैं और ये वाली आदत भी पापा से मिलती है। पापा को कुछ भी कार्टून और बेकार के डिब्बे घर में नहीं दिखने चाहिए, एक्स्ट्रा डिब्बे वगैरह, तो मम्मी डिब्बे वगैरह बचा के रखती थी कि मसाले वगैरह रखेंगी, और पापा जिस दिन भी कबाड़ी वाला उनको गली में दिख जाता था सारे कार्टून और डिब्बे वो बेच देते थे। तो वो चीज़ मेरे अंदर भी है, मुझे घर में ज़्यादा ये कार्टून वगैरह अच्छे नहीं लगते, बट हम लोग सोचते हैं कि कभी हम लोग कहीं रूम खाली करके गए तो कभी ये काम आएंगे। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको रखूँ या फेंक दूँ। खैर, एक काम खत्म हुआ है, अभी दूसरा काम बाकी है, धीरे धीरे चलेगा। और दूसरा काम है कि जब हम होली खेल के आए तो हमें जूते चप्पल गंदे करने के बाद आए हम बाथरूम में और पूरा बाथरूम गंदा करा, तो सब कुछ इवन ये शैम्पू वगैरह जो भी रखे वॉक्स वगैरह सब पे कलर लगा हुआ है। तो खैर, बाथरूम क्लीनिंग तो मैं दिखाऊंगी नहीं, अब मैं आपसे नहाने के बाद मिलूंगी, मुझे बाथरूम क्लीन करना है और उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। व्हाई आर यू होल्डिंग उज्जवल मामाज हैंड? सर, व्हाई आर यू होल्डिंग माय हैंड? यू नीड टू फिनिश। ओह नो 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 उज्जवल मामा, यू फिनिश फर्स्ट। इसी तरह से इन दोनों का नाटक चलते रहता है। खैर, अभी खाने का टाइम हो गया और भूख बहुत जोर से लग गई है और इतने सारे दिन सुबह से काम थे तो मैं आज ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई हूँ। आज खाने में दाल चावल है और दाल चावल के साथ है बैंगन की भजिया और ये इमली की चटनी जो होली पे बनी थी, और दाल चावल के साथ दही। चलिए अब खा लेते हैं।
2 दिन से डीप क्लीनिंग में, बाथरूम क्लीनिंग और शू रैक क्लीनिंग, डोर मैट क्लीनिंग, इन सब क्लीनिंग में एक काम जो बुरी तरह से इग्नोर हुआ है वो कपड़े फोल्डिंग का काम इग्नोर हुआ है। कल के इतने सारे कपड़े धुले हुए, होली के कपड़े धुले हुए, अभी आज जो कपड़े धुल गए सूख गए, बहुत सारे कपड़े फोल्ड करने के लिए हो गए हैं, तो अभी जाके वो करूँगी। बाकी दोपहर की नींद पूरी हो चुकी है, तो ये टाइम है चाय बनाने का। तो चाय बनाया जाए, उसके बाद मैं आपको एक ड्रेस दिखाती हूँ जो कि मैंने अमेजन से ऑर्डर करा था। अभी समर आने वाला है ना, तो मुझे एक कॉटन ड्रेस चाहिए थी और उसमें बहुत सारी कंडीशंस भी थी मेरी कि मुझे एक ऐसी ड्रेस चाहिए, तो सारी कंडीशंस तो खैर मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाते दिखाते बताऊंगी, लेकिन अच्छी ड्रेस है। देखो अभी मैंने ये ड्रेस एक बार पहन लिया, तो पैकेट में तो है नहीं, पैकेट से मैंने निकाल दिया, बट ऐसा ब्रांड का नाम है जनस्या। अब मैं आपको अपनी कंडीशंस बताती हूँ। कंडीशन ये थी कि मेरा इंडियन स्किन टोन है, थोड़ा सा डार्क है, तो जो भी कलर मैं लूँ इस ड्रेस का तो वो मेरे ऊपर अच्छी लगनी चाहिए, तो ये मेरे ऊपर अच्छी लग रही है, साथ में पेट भी नहीं दिख रहा है। तीसरी कंडीशन ये थी कि थोड़ा मैं कॉन्फिडेंट फील करूँ इसको पहन के, उसके लिए या तो जो फ्रॉक है, ये ड्रेस है, वो नी लेंथ की हो या नी से 1-2 इंच बड़ी हो, तो वैसी ड्रेस मुझे चाहिए थी। तो ये 3-4 कंडीशन थी मेरी, तो बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस मुझे ये अमेजोन पर मिल गई है। ये मिंत्रा पर भी थी और अजियो पर भी थी, अलग अलग रेट्स में। तो कॉटन का है और कॉटन सूती का कपड़ा है, तो अभी समर में भी चलेगा, तो सब कुछ परफेक्टली मैच हो गया। अमेजन से मैंने लिया था इसको 1100 रुपीज में, और जब मैं वुमेंस डे पे अगेन चेक करने गई इसी ड्रेस को, तो वो 1000 की हो चुकी थी, तो मैंने 100 रुपये ज़्यादा दे के लिए। खैर मुझे तो वुमेंस डे से पहले ही पहनना था इसके लिए। और मिंत्रा पे ये शायद 1200 रुपये की थी और अमेजन पे तब 1100 की थी, तो 100 रुपये कम थे इसलिए मैंने अमेजन से ले लिया। तो अगर मेरी जैसी कंडीशंस आपकी भी हैं तो आप इस ड्रेस को ट्राई कर सकते हो। और हाँ, अभी तक मेरे पास रिव्यूज़ के लिए कपड़े नहीं आते हैं, तो ये जो मैं रिव्यू दे रही हूँ वो ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। IT कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं उनकी पत्नियाँ घर पे वीकेंड पे शांति से नहीं बैठ सकती और सैटरडे को लेके जाना पड़ता है घुमाने के लिए बेचारों को, और घर और बाहर घूमने जाने का मतलब है कि थोड़े पैसे खर्च होंगे और पैसे खर्च हो चुके हैं। तो चलिए खैर मैंने क्या क्या खरीदा वो घर चल के दिखाती हूँ। मेरे दो अनमोल रतन Do not open this seal if you wish to return the product. Wow! It's a backpack. Quality तो बाहर से बहुत ही अच्छी लग रही है और कलर भी बहुत अच्छा है। अब कितने पॉकेट्स हैं वो देखते हैं। इंग्लिश बोलना ज्यादा जानते हैं वो बोलते हैं इस तरह के बैग को कि ये है एस्थेटिक बैग। ये पावर बैंक का बैग भी दिया है इसमें। पावर बैंक लगा के और इधर केबल दिया हुआ है, आराम से चार्ज कर सकते हो। ब्रांड का नाम मैं आपको दिखा देती हूँ, है स्कार्टर्स का, ये नेवी ब्लू कलर बोल लो, पर बैग का रिव्यू अच्छा है, जबरदस्त बैग है, लेना है तो ले सकते हो। बाय द वे जिसको मिला है उसको कैसा लगा? Nice. Thanks for the bag. हाँ यार प्राइस भी दिखाई दो, इतना बजट हो तो। Such a nice and mature bag. ये प्राइस दिखाते दिखाते या तो मेरे फोन का कैमरा ब्लर हो रहा है और अगर लोगों ने देख लिया तो उनकी आंखें ब्लर हो जाएंगी। Yes, this is the price. कल उसका गिफ्ट आ गया था और आज उज्जवल आया है यहाँ पुणे, तो उसने अपना गिफ्ट ओपन कर लिया है। शॉपिंग में हुई, मैंने एक मैरीगोल्ड का फ्लावर लिया है और एक रेगुलर पिंक रोज का फ्लावर लिया है, साथ में अपने लिए एक टी शर्ट खरीदी है। टी शर्ट की तो सच में मेरे पास बहुत कमी हो गई थी, उज्जवल भी मेरे को डांट रहा था कि इतनी गंदी गंदी टी शर्ट क्यों पहन रही है, तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं देता हूँ पैसे। तो फाइनली मैंने ये अपने लिए एक टी शर्ट ले ली है। तो चलिए अभी सबको भूख लग गई है, अब डिनर टाइम। तो शॉर्टकट में जब भी मुझे शॉर्टकट में कुछ बनाना होता है तो मैं बनाती हूँ पिज्जा पराठा, और उसकी तैयारी करने के लिए मैं चलती हूँ और इधर दिखा देती हूँ कि बेचारे पति को एकदम भूख लग गई है, तो वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। गाजर का हलवा बना हुआ रखा था तो वो गर्म कर रहे हैं, तब तक वो खाएंगे और मैं तब तक बनाती हूँ पिज्जा पराठा। पिज्जा पराठे की तैयारी हो रही है तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर दूं, क्योंकि मेरे लिए बहुत इजी पड़ता है, तो आप लोगों को भी जरूर हेल्प करेगा। यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, इन तीनों को, चारों को रफली फाइन चॉप कर लिया है, धनिया पत्ता भी डाल सकते हो, और आटा गूंथ लिया है। आटा प्लेन नहीं है, इसमें नमक और अजवाइन डाला हुआ है, तो ये आटा हो गया। और काम को और आसान करना है तो पति को बोल दो अपने चीज ग्रेट करने के लिए, तो उधर चीज ग्रेट हो रहा है और अब मैं पराठा बनाना शुरू करूंगी। और कोई पतले पतले पराठे बनाने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी लो ही लो, बेस ऊपर का नीचे का जो है ना पराठे का वो मोटा रखो, अच्छा लगता है।
पिज्जा पराठा बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स क्या डाले वो तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मैंने एक पराठा बना लिया है, उसके ऊपर सबसे पहले ये जो मेरे पति देव ने चीज ग्रेट करके छोड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा डाल दूंगी, हल्का सा ही, ज्यादा नहीं। उसके बाद जो ये मैंने सब्जियों की स्टफिंग बना के रखी है, टमाटर प्याज शिमला मिर्च, वो डाल देंगे। पहले चीज, फिर सब्जियां, फिर से चीज। इसीलिए मैंने नीचे चीज कम डाला था थोड़ा, क्योंकि हमें ऊपर से भी डालना होता है ना, तो फिर ज्यादा और डाल देंगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा। इसके ऊपर मैं एक और पराठा डाल के इसको पैक कर दूंगी और थोड़ा सा लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि जो हमने चीज डाला है वो मेल्ट हो जाए। मैं तो इसको केयरफुली पलट भी लेती हूँ, आप चाहे तो नहीं पलटना है या जैसे भी, बस हमें चीज मेल्ट होने का वेट करना है और उसके बाद पिज्जा पराठा रेडी, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो टीवी पर लगाई गई है गुरु मूवी, गुरु मूवी का आज रिविजन होगा, साथ में मैं अपना डिनर लेके बैठ गई हूँ और अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। होपफुली कि आप सभी की होली बहुत अच्छे से मनी होगी, होली के बाद आप सभी अभी सब एकदम चकाचक होंगे, आप सभी के घर में भी नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी। तो चलिए, खैर मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी ही अब एक नया व्लॉग ला सकूँ और अब मैं आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।